हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग कुछ मोटिवेशन बातें कर लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है और वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो उनसे मैं पर्सनली कुछ बातें करना चाहता हूँ, मे बी इस वीडियो के माध्यम से वो इनर्जेटिक हों और पढ़ें। देखो, ये बात को हमेशा सदैव रखना और अपने कॉपी पे पहले पृष्ठ पे लिख लेना बड़े अक्षरों में, और दिन में जब कभी भी तुम डीमोटिवेट हो जाओ, इस शायर को तुम खुद से एक दो बार पढ़ना, बिल्कुल इनर्जेटिक हो जाओगे। इस शायर को मैंने खुद अपने हाथों से राइट किया है। तो देखो ये शायर क्या कहता है, कसम तेरे कोख से पैदा होने की माँ, नाम तेरा नहीं मिटने दूंगा, भले ही रात दिन एक करने पड़े, अपने जीते जी फूलों की सेज पे सजाऊं सुलाऊंगा। तो मेरे भाई, इस चार लाइन में बहुत से बड़ी बड़ी बातों को लिखा गया है। अगर इस लाइन को तुम समझ जाते हो तो बहुत सी बड़ी बात मैंने इस लाइन में कह दिया है। अब बात आती है कि अगर तुम माँ बाप की वैल्यू नहीं देते हो तो और किसकी वैल्यू दे पाओगे, रियली फैक्ट है। अब देखो क्या होता है, देखो देखो, अगर तुम अपने माँ बाप के एक अच्छी इज्जत, अपने माँ बाप से कभी प्यार करते हो, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण तुमको दूंगा। तुम एक शादी में चले जाओ जहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हों, मतलब पूरे मोहल्ले के लोग हों। देखना, मोहल्ले का जो सबसे वैल्यूएबल आदमी होगा, उसके पास चार से पांच आदमी बैठा होगा, चार से पांच आदमी बैठा होगा, उसको बैठने के लिए कुर्सी भी दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग आकर ये भी पूछते हैं, क्या आप खाना खा लिए? लेकिन अगर किसी व्यक्ति, यानी तुम्हारे पिताजी, अगर मोहल्ले में वैल्यूएबल आदमी नहीं है, तो ना ही उनको कोई पूछने वाला आता है, उनका फेस पर एक छुपा सा एक्सप्रेशन होता है। देखना, वो बेचारे एक पीछे वाले लाइन में जाकर खड़ा हो जाते हैं और खड़ा हो जाते हैं और खाना खाकर चुप से निकल लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो उनके दिमाग में एक डर होता है कि कहीं ना मोहल्ले वाले ये ना पूछ दे कि आपका बेटा का रिजल्ट क्या आया, आपका बेटा पढ़ने में कैसा है। तो सोचो, तुम्हारे वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को जहाँ तहाँ शर्मिंदगी होना पड़ता है। तो ये सारा दिन तुम्हारा है। नहीं तो तुम शादी विवाह में कभी चले जाओ, शादी विवाह में देखना, जिसके बच्चे सक्षम होंगे, पढ़ने में तेज होंगे, उसके पिताजी कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं, वो भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, ताकि उनको ये लगता है कि मेरे बच्चों के बारे में मेरे से पूछे या ना भी पूछे, तो देखना कितने गार्जियन खुद से बताने लगते हैं, बेटा ये बताओ, बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा, और पूछने लगते हैं। और अगर संयोग बस उसकी बेटा की जॉब हो, तब तो वो और जाकर एकदम कि पूछे, ओ आपका बेटा जॉब करता है, ये करता है, करके पूछने लगते हैं। जबकि वही तुम एक अनसक्सेसफुल पर्सन रहोगे, मतलब काफ़ी टाइम हो जाएगी, तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, तो जानबूझकर जो तुम्हारे फैमिली में थोड़े पढ़े लिखे होंगे, वो तुम्हारे पिताजी के पास आकर जानबूझकर पूछेंगे कि आपका बेटा का जॉब हो गया, वो जानते हैं कि नहीं हुआ है, फिर भी हो गया ना जॉब, सुने थे रिजल्ट हो गया है, ये वो करके तुम्हारे पिताजी को इंसल्ट करने में लगे रहते हैं। अब तुम सुनो कि तुम्हारी एक गलती के वजह से तुम्हारे माता पिता पेरेंट्स को कितना भुगतना पड़ता है, सिर्फ एक गलती से। तो क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप समाज में अपना सर ऊंचा करके जिए? क्या नहीं चाहते हो तुम्हारे माँ बाप अपनी साल या 2 साल में एक नई कपड़े नहीं खरीद कर तुम्हें एक हर फेस्टिवल में एक कपड़ा खरीद कर देते हैं? बताओ, क्या तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि तुम पढ़ लिख कर एक सक्षम आदमी बनो और उनको भी बुढ़ापे में हर फेस्टिवल में, या अगर सक्षम हो तो 25 की उम्र में तुम एक अच्छा सा सेटल हो जाओ, और तुम क्या करो अपने माँ बाप को जो भी काम करते हैं, लोअर फैमिली से हो, मिडिल फैमिली से हो, वो काम ब्रेक कर उन्हें घर पे बैठा दो, ताकि तुम कमाओ और उन्हें बोलो, पापा आपने बहुत मेहनत किया, अब मेरी बारी है। क्या ऐसा नहीं चाहते? क्या यार किसी एक भी इंसान से तुम्हें जिंदगी में प्यार नहीं है तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं होता। तुम व्यर्थ में जी रहे हो। जो अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचता वो क्या सोचेगा?
क्या सोचेगा अपने ज़िंदगी में, कुछ नहीं करेगा, फालतू का टाइम पास नहीं करना। अगर नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल सोच लो कि नहीं पढ़ना, आज से बिल्कुल सोच लो कि नहीं पढ़ना है। पता अभी तुमको ये लग रहा होगा कि कोरोना वायरस सब ये रीज़न है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, या कुछ टाइम के लिए पढ़ भी लेता हूँ नहीं पढ़ूंगा। भाई अभी सरकार की ये नीति हो चुकी है कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी सरकार आपको मिनिमम 70% मार्क्स देने के लिए ऑलरेडी रहती है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, बिल्कुल भी ना पढ़ो, फिर भी अभी मोहल्ले में कुछ बच्चे का रिजल्ट आया है, देखकर मुझे दंग हो जाता है। जो पता है 10 बच्चे का नाम नहीं लिख सकते, उसकी रिजल्ट आई है 70% 75%। तो सोचो बिहार बोर्ड तो तुमको बिल्कुल पास करा देगी भाई, पास तो होना ही है। और इस बार तो कोरोना वायरस की वजह से स्कूलें कोचिंगें बंद है, तो हर हाल में वो सरकार आपको पास कर देगी। लेकिन तुम जिस दिन आगे की कक्षे में जाओगे, यानी जिस दिन कंपटीशन लेवल की तुम तैयारी करने लगोगे, वहाँ तुम्हारी कॉन्सेप्ट वीक होगी और तुम कम से कम 5 ईयर पीछे चले जाओगे, 5 ईयर पीछे चले जाओगे। पता है क्यों? बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, मैं तो 6 महीने नहीं पढ़ूंगा, तो 5 साल पीछे चले जाओगे। बिल्कुल पीछे चले जाओगे। जब तुम जनरल कंपटीशन के तैयारी करने लगोगे, वहाँ 60-70% क्वेश्चन 11th-12th का ही मार्किंग किया हुआ होता है, बिल्कुल मेंस लेवल में। भैया से पूछ लो जो मोहल्ले में बड़े हैं, अंकल से पूछो क्या 11th-12th का होता, उनका एक ही जवाब होता, भाई मैंने तो 11th-12th मन से पढ़ी नहीं, इसकी वजह से मेरे से एडवांस मैथ नहीं बनते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न यही होता, वही काम तुम दोहरा रहे बच्चों। यहाँ तुम पता है दिन के 3 घंटे पढ़ लो, और यही तुम 2 साल के बाद दिन का 10 घंटा पढ़ोगे, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? ये तुम्हारा करेंट है और कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा। और जब 3 साल के बाद तुम 10 आवर मेहनत करोगे, वहाँ ना कॉन्सेप्ट होगा, बिल्ली रट्टा मारोगे, आज रट्टा मारोगे कल भूल जाओगे। तो बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना मेरे भाई, इस ईयर यानी 1-2 साल जो आपके पास टाइम है उसे बिल्कुल ना गवाएं, और मेरे साथ लगे रहें। कहीं भी पढ़ो, कोई टीचर से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही, जो अच्छा लगता उसी टीचर से पढ़ो, लेकिन मेरे भाई लगे रहो। और भाई मैं एक टीचर होने के नाते मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर तुम अच्छे शिक्षा नहीं पढ़ते हो तो अभी जैसा माहौल बन चुका है कि जो भी तुम्हारे बपौती प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं विरासत में मिला हुआ प्रॉपर्टी, उसे तुम सेल करके बेच करके अपना दिनचर्या का गुजारा करते हो। सोचो, तो मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि सपोज तुम तो मेरे यहाँ से इस बार पढ़ के निकल चुके, अगले बार पढ़ के निकल जाओगे, अगर तुम 5 साल वही 5 साल के बाद 5 ईयर के बाद मैं क्या तुम्हें देखना पसंद करूँगा कि ठेला चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, क्या कभी मैं ऐसा देखना पसंद करूँगा? और उस ठेले में पीछे लिखवा लो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, कभी होता है भाई ठेला एक खरीद लो उसमें लिखा लो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, रिक्शा खरीद लो उसके पीछे लिखा लो बुरी नज़र वाले, अरे भाई तुम्हारा रिक्शा देखकर कौन नज़र लगाएगा? लोगों की सोच है ऑडी खरीदने की, थार खरीदने की, नई नई बाइकें और नया नया शौक, बिल्डिंगे बनाने की शौक है। और तुम एक झोपड़ पट्टी डाल देना और ऊपर से जूता टांग देना कि भाई किसी का नज़र ना लगे। भाई तेरी झोपड़ी पे किसी का नज़र ही नहीं है, तुम क्यों जूते टांग रहे हो बताओ? कोई चाहेगा कि मेरे पास झोपड़ी हो? कोई नहीं चाहेगा। और तुम झोपड़ी में जूते टांग रहे हो तो रिक्शे में लिखा रहे हो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, कौन देख कर तुझे जलेगा भाई? क्यों तुम ऐसा करते हो? ये तुम 2-3 साल पढ़ लो भाई, तुमको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं, एकदम कसम की बात कहता हूँ। जिस दिन अगर तुम अभी नहीं पढ़ते हो, अब बाद में अगर तुम मुझे लोअर जॉब या लोअर वर्क करते पकड़े गए तो मैं तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छे जगह सेटल हो, अच्छे वर्क करे, अच्छे मैं पढ़ा सकूँ ताकि कुछ अच्छा दे सकूँ। तुम लोग को मैं ऑनलाइन टीचिंग करवा रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन पढ़ने का तो है नहीं, घर में बैठे रहना है, 4 घंटे टाइम बिता देना है, मोबाइल में कुछ करना नहीं, फिर भी 4-5 घंटे बिता देना है, बट पढ़ना तो कभी है नहीं, कभी वो तो होगा ही नहीं। क्यों? कैसे? तू बस रोज अंदर सोचते हो, रोज स्टेटस में लगा देते हो मेरे पास ऑडी होगा, मैं मेरा दिन बदल जाएगा, मैं सबको भूल जाऊंगा। भाई लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम किसी को क्यों भूलोगे? लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे कि नहीं ये है ही नहीं मेरे परिवार का, तुम क्यों किसी को भूलोगे?
तो ये होने वाला है। और मन में पता है, थाने रहता नहीं सर, मैं तो 98 ले आऊँगा, मैं तो 98 ले आऊँगा। भाई अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना अच्छे से, जिस दिन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ले ली, तुम्हारी 55% भी आना मुश्किल होगा। 55% की मैं बात कर रहा हूँ। और बात करते हो 98 की, 98 और 99 दिखाने का कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर है भी तो काफ़ी टैलेंटेड बच्चे का होता है। ये तो बिहार बोर्ड का देन है कि तुम लोग का पास करवा देता है। अगर माँ बाप से भी नहीं प्यार है तो क्या करोगे बताओ ज़िंदगी में। देखो जैसा अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बीच बीच में मोटिवेट करते रहूँगा ताकि बच्चे गलत रास्ते ना जाए, अब गलत जगह भटक ना जाए। इसीलिए मुझे ये वीडियो आज बनाने पड़ी कि नहीं, कम से कम कुछ बच्चे को मैं मेरे माध्यम से अगर एक बच्चा भी सक्सेस हो जाता है तो मेरे लिए वो काफ़ी है। एक बच्चा भी गलत रास्ते सही पे आ जाता है तो मैं अपने आप को सक्षम समझूंगा। तो ठीक है ना, इस बात को याद कर लेना और अपने कॉपी पे अपने मन में नोट कर लेना। जब भी तुम डीमोटिवेट हो, जब भी तुम ऑड फील करो या गलत फील हो, तो इस चीज़ को पढ़ो बाबू। और ये बिल्कुल मैं अपने हाथों से लिखाऊँ, ये बिल्कुल तुमको एनर्जेटिक कर देगा। भाई मैं तो इसी को पढ़कर हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में। ठीक है ना, ये सिर्फ तुम लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।